हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सच्चिदानंद एकेडमी पर, जहाँ मैं लाता हूँ आपके लिए नए नए जॉब अलर्ट्स। दोस्तों, हमारा जो जॉब अलर्ट है वो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आ रहा है, जहाँ पर इन्होंने जो है अपने एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक के लिए अप्रेंटिसशिप निकाला है। ये जो अप्रेंटिस का नोटिस है ये 22 जुलाई 2022 को निकला है। आइए देखते हैं, ये जो है अप्रेंटिसशिप है ये केवल और केवल ITI वालों के लिए है दोस्तों। तो अगर आप ITI से हैं तो आप इसको आगे देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन्होंने दे रखा है सबसे पहले फिटर, टर्नर मैकेनिस्ट, कारपेंटर मैकेनिस्ट जो कि ग्राइंडर वाला है, और इस तरह से जो है इन्होंने अलग अलग ट्रेड के नाम दे रखे, उस हिसाब से सीट्स बता रखी है कि 186 सीट जो है यहाँ पर फिटर के लिए, फिर 28, 26, 4, 10 ऐसे सीटें दे रखी है। फिर इनके लिए बता रखा है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए, तो फिटर के लिए फिटर, टर्नर के लिए टर्नर, इसी तरह से आप जिससे आपने ITI करी है उस फील्ड से आप जो है इस ट्रेड में जाकर अपने अप्रेंटिस कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है हमने ITI जो की होगी वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए बाय NCVT और SCVT के द्वारा। स्टाइपेंड यहाँ पर 1961 के एक्ट के तरफ जो है मंथली प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर बताया नहीं गया कितना स्टाइपेंड होगा, लेकिन ये बताया गया है कि इस एक्ट के द्वारा स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करते तो रिजर्वेशन यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए 9 से 10% का है, जबकि OBC, PWD और EWS के लिए 4, 10 और 27% है। PWD में अगर बात करें तो PWD में हमारे पास 40% से अधिक जो है अगर डिसेबिलिटी है तो हम क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में हम सबको जो है ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए हुए हैं ये सब हमारे पास होने चाहिए, तब जाकर हम लोग EWS में एलिजिबल हो सकते हैं। फिर उसकी बात करते हैं, आगे चलते हैं, तो हमको ये अप्लाई कैसे करना है। तो ये जो अप्लाई होगा ये 2 स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप में हमको अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर जाकर रजिस्टर करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमको जाना है HAL नासिक एप्लीकेशन फॉर्म में। इसी एप्लीकेशन फॉर्म में जो ये लिंक दिया हुआ है इस पर क्लिक करके हमको एक गूगल फॉर्म भरना है। उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद में जो है 3 से 4 तारीख को जो है यहाँ पर HAL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में ये देखते हैं आगे क्या क्या स्टेप है। तो उनमें स्टेप दे रखी है, एप्लीकेशन जो है वो 22 जुलाई से चालू हो जाएंगे, 10 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 16 से 31 अगस्त के बीच में होगा, और रिजल्ट जो है यहाँ पर ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो 2nd वीक ऑफ सितंबर तक हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन जो है वो शॉर्टलिस्ट हुआ है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जैसे कि हमको इसमें अपनी डिटेल वगैरह जो है अच्छे से भरनी है ताकि हम लोगों को कॉन्टेक्ट कर पाए। शॉर्टलिस्ट के बाद जो है क्या क्या क्राइटेरिया होगा वो पूरे आपको इन नियमों में देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है हमको ये कुछ 16 नियम दिए हुए हैं जो हमको अच्छे से पढ़ लेना है इसको अप्लाई करने के बाद। तो इसमें जो है दो स्टेप है हमने देखी। पहला तो जो है रजिस्टर करना है अप्रेंटिस इंडिया डॉट गवर्नमेंट पर, और दूसरा जो है इसके अंदर जो लिंक दिया हुआ है उस पर हमको गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन। Like I'm floating through the air.